हेलो पीपल, सो आई एम हियर विद परफेक्ट पार्टी स्टाइल स्नैक। आलू मटर पॉकेट्स बहुत अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल बनते हैं। क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर्स आ रहा है, एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट पार्टी स्टाइल स्नैक। ट्रस्ट मी, दैट स्पाइसी चटपटा मसालेदार आलू मटर फिलिंग इन दैट क्रिस्पी करारे येट सॉफ्ट पॉकेट्स, आहा, यू विल लव दिस। आप इसको चटनी और सॉस के साथ सर्व करोगे ना, जब दिस विल बी हीरो ऑफ योर पार्टी। सो क्विकली बिगिन करते हैं। उसके लिए मैंने डो लगाने के लिए सबसे पहले 1 कप ऑफ मैदा, सॉल्ट टू टेस्ट, अजवाइन, पिंच ऑफ सोडा एंड ऑयल डाल के मिक्स कर लिया। उसके बाद दही से एक सेमी सॉफ्ट डो नीट कर लिया। अच्छे से 3 to 4 मिनट्स उसको नीट कर दीजिए, और इस तरह से सेमी सॉफ्ट डो नीट करने के बाद उसको साइड में रख लीजिए। अब मसाला फिलिंग रेडी करते हैं। उसके लिए एक बोल में मैंने डाल दिया है 1 बिग पोटैटो ग्रेट करके। उसके बाद मटर डाल दिया है मैंने, हरे मटर को ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में। कोर्सली ब्लेंड करिएगा, पूरी तरह से नहीं, 1/2 कप यूज़ किया है। उसके बाद मैंने डाल दिया स्प्रिंग अनियन, सब गोड़ा मसाला, शेजवान फ्राइड राइस मसाला, किचन किंग मसाला, सॉल्ट टेस्ट, सम लेमन जूस एंड 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का भुना हुआ पेस्ट डालकर मिक्स करके साइड में रख लीजिए। योर मसाला फिलिंग इज रेडी। अब बाइंडिंग के लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं क्विकली। मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ घी लिया हुआ है विद 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क एंड कॉर्नफ्लोर। एक थिक सा रनी पेस्ट रेडी कर लीजिए। और अब हम डो ले लेंगे। उसको 1-2 मिनट के लिए नीट करने के बाद इस तरह से बड़ी साइज़ की रोटी रेडी कर लीजिए, खूब सारी। और उसके बाद पहली रोटी ले लीजिए और उस पर जो हमने पेस्ट बनाई है उसको स्प्रेड कर लीजिए। ऊपर से सूखा आटा डाल दीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए, और उसके ऊपर दूसरी रोटी को स्टिक कर दीजिए। इसी तरह से लेयरिंग करनी है हमें। सो मैंने यहाँ पे 6 रोटीज़ के साथ लेयर किया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। फिर ऊपर से सूखा आटा डस्ट करके अच्छी तरह से सब कुछ कॉर्नर सील करके इसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। और एंड में पेस्ट लगाना मत भूलिएगा, और इसको अच्छी तरह से सील कर लीजिए। रोल को सूखे आटे के हेल्प से सील करते हुए एक अच्छा सा टाइट रोल रेडी कर लीजिए। फिर इसको आप कट कर लीजिए छोटी छोटी पीसेस में, और अब हम इससे पॉकेट्स रेडी करेंगे। सो आप ले लीजिए एक पीस, जेंटली उसको प्रेस करके जेंटली बेल लीजिए। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी ना, उसको कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद बीच में आलू मटर वाला फिलिंग डाल के सेमी सर्कल में इसको सील कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से कॉर्नर्स कट कर लीजिए, और फोक की हेल्प से आपका पॉकेट को शेप कर लीजिए एंड सील कर लीजिए। एंड दिस इज़ रेडी टू फ्राई। हल्के से जेंटली उसको प्रिक कर लीजिए होल्स ऊपर से, और मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया हुआ है। आप बेक कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो। फ्राई दिस टिल गोल्डन एंड क्रिस्प ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम। बहुत अमेजिंग बनते हैं, ट्रस्ट मी। आपको देख के लग रहा होगा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड ऑल, बट इट्स ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट मी। बहुत अमेजिंग बनते हैं। सो डू ट्राई दिस गाइस एंड एन्जॉय।